हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कट किस मेकअप स्टूडियो। आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू मेकअप लुक। तो आज मैं बहुत सटल सा मेकअप करने वाली हूँ जो कि आजकल लड़कियों को बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मॉडल का जो स्किन है उसको अच्छे से प्रेप कर दिया है। देन मैं लगा रही हूँ कंसीलर। मैंने यहाँ पर ब्राउन कंसीलर ही यूज़ किया है क्योंकि उसके ज़्यादा डार्क सर्कल वगैरह नहीं थे, इसीलिए। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसे ब्लेंड कर रही हूँ, कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी मॉडल की आईज थोड़ी रेड रेड लग रही है क्योंकि उन्होंने लेंस पेयर किए थे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम लेंस पेयर किए थे इसलिए उनकी आईज थोड़ी ज़्यादा रेड हो गई। बट जब तक मेकअप ख़त्म हुआ वो ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। तो इसके बाद कंसीलर के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपना बेस, मतलब फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का। तो मैंने यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ फाउंडेशन को। मैं वैसे भी हमेशा ब्रश से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और साथ में नेक में भी लगा रही हूँ। आपको नेक भी कवर करना है, चाहे आप बाद में करें या साथ साथ करें, पर नेक कवर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं अपने मतलब मॉडल का जो मेकअप कर रही हूँ उसको ब्यूटी ब्लेंड से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड करना है और बहुत ही लाइट हैंड से करना है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है बिल्कुल भी। बहुत ही हल्के हल्के हाथों से आपको उसको ब्लेंड करना है। तो यहाँ पे अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ और कॉन्टोर के लिए मैंने कॉन्टोर स्टिक लिया है जो कि है फोरएवर 52 का। और मैं उसको अपने मॉडल के जो है उसको मैं बहुत ही कम कॉन्टोर कर रही हूँ, बाकी प्रॉपर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि उसके बहुत ही कम है जॉ पे जो फैट रहता है वो बहुत कम है, इसलिए मैं कम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्रीमी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ साथ में और मैं इसे ब्रश से ही लगा रही हूँ। और इसे अब मैं ब्लेंडर से, ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप पहले ब्राउन करना चाहते हो, मतलब कॉन्टोर ब्लेंड करना चाहते हो या कंसीलर को ब्लेंड करना चाहते हो, तो एक ही शेड को आपको एक बार में ब्लेंड करना है और उसके बाद आपको दूसरा शेड को ब्लेंड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले कॉन्टोर को ब्लेंड किया है, देन मैं कंसीलर को ब्लेंड करूँगी। यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप कंसीलर को पहले ब्लेंड करना चाहते हो या कॉन्टोर को, बट दोनों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है वरना आपका जो पूरा मेकअप है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी टिप्स आपको देती रहूँ ताकि आप अच्छे से कर सकें। अब मैं अपने बेस को करती हूँ लूज पाउडर से सेट। यहाँ पे मैंने लूज पाउडर लिया है मेकअप स्टूडियो का और
उसी में अच्छे से अपनी मॉडल के फेस को सेट कर रही हूँ, बेस को अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्रॉन्जर भी यूज किया है ताकि फेस थोड़ा अच्छे से इनहेंस हो और हमारा जो मेकअप लुक है वो और भी ब्यूटीफुल दिखे। नोज कंट्रोल करने के लिए मैंने बड़ा ब्रश लिया है, बट आप जो है छोटा ब्रश यूज़ करें क्योंकि जो कर लेता है वो इजीली कर लेगा, बट जो स्टार्टिंग है जिसकी, जो नहीं कर पाता है वो स्मॉल ब्रश से ही करें। मेरी जो मॉडल की आईब्रोज हैं वो उन्होंने बनवाई नहीं है, वो नहीं बनवाती हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब आईब्रोज को प्रॉपर शेप देने के लिए कंसीलर को अच्छे से एक लाइन के साथ उसको क्रीज किया है ताकि वो आईब्रोज जो है वो पूरा सा शेप में आ जाए, वो बिल्कुल नेचुरल लगे। तो यहाँ मैंने कंसीलर लिया है और कंसीलर मैं छोटे ब्रश पे लगा रही हूँ और बहुत ही प्रॉपर शेप में लगा रही हूँ, और उसको लगाने के बाद मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी। कभी कभार जो आईलिड्स होती है वो ऑयली होती है, तो आपको कंसीलर के बाद उसे सेट करना कंपलसरी होता है। अगर आप उसको सेट नहीं करेंगे तो आई मेकअप ख़राब हो जाएगा, मतलब स्टे नहीं करता है, ख़राब होने लगता है, तो उसको सेट करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है और उसके बाद मैं एक न्यूड सा शेड ले रही हूँ जो कि बहुत लाइट ब्राउन है। जब भी हमें न्यूड मेकअप करना है तो हमें बहुत ही लाइट शेड उठाने होते हैं जो कि नेचुरल दिखते हैं, जैसे कि पीच, पिंक, ब्राउन, ऐसे कुछ कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं जो न्यूड होते हैं, वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो उसको अच्छे से ब्लेंड भी करना है, ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, तो ब्लेंडिंग करना ना भूले, तो अच्छे से ब्लेंड करें। मैंने अंडर आइज़ पे भी सेम ही शेड लगाया है क्योंकि सुनी सुनी आइज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और न्यूड मेकअप करते टाइम ये ज़रूरी ध्यान रखें कि आपको शेड लगाना ही लगाना है, चाहे आप थोड़ा लाइट लगाएं चाहे थोड़ा सा डार्क लगाएं। आप यहाँ पे काजल भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं लगाना चाहते तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद मैं विंग लाइनर यहाँ पर लगा रही हूँ और
देखिए कितना प्यारा विंग लाइनर लगता है। अब मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ किया है। अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है नियॉन का मस्कारा। आपको अपर और लोअर लैशेस दोनों पे अप्लाई करना है। और इसके बाद मैंने लगाया है लिप कलर। लिप कलर मैंने ना ज़्यादा डार्क रखा है ना ज़्यादा न्यूड रखा है, मतलब सटल सा रखा है ताकि वो अच्छा लगे। बहुत ही लाइट भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं रखा है। तो यहाँ पे मेकअप ऑलमोस्ट डन होता है और देखते हैं फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।